फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के वाई ज्योति का सुरेलिया। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने आपके रेगुलर हरियाणा जी के और करंट अफेयर की वीडियो डालनी स्टार्ट की है, और कई दिनों से मैं आपके लिए हरियाणा जी के नहीं डाल पाई। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरियाणा जी के में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीरीज में आपको आज फुल वाली डिस्ट्रिक्ट करवाऊंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर दें। आज का हमारा टॉपिक है पलवल डिस्ट्रिक्ट। पलवल डिस्ट्रिक्ट, पलवल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी? पलवल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 13 अगस्त 2008 में पलवल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी। उपनाम शुगर सिटी, कॉटन सिटी, शुगर सिटी या कॉटन सिटी। पलवल का एरिया कितना? 1359 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 70.32%, 17.32%। स्थापना देखिए 13 अगस्त 2008। उपनाम कॉटन सिटी या शुगर सिटी, कॉटन सिटी। उपनाम कॉटन सिटी या शुगर सिटी। क्षेत्रफल 1359 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 70.32%। आगे देखिए प्राचीन नाम, पलवल का प्राचीन नाम क्या? पलवल का प्राचीन नाम है अपलवा। पलवल का प्राचीन नाम क्या है? अपलवा। एक बार फिर से देखिए, स्थापना 13 अगस्त 2008 को हुई। उपनाम कॉटन सिटी या शुगर सिटी। क्षेत्रफल 1359 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 70.32%। उपनाम प्राचीन नाम है अपलवा। आगे देखिए उपमंडल, उपमंडल है हथीन होडल पलवल, हथीन होडल पलवल। तहसील है पलवल होडल हथीन, और उप तहसील है हसनपुर बहीन, हसनपुर बहीन उप तहसील है, और तहसील है पलवल होडल हथीन, और उपमंडल भी है पलवल होडल हथीन। और खंड देखिए पलवल होडल हसनपुर हथीन परथला, पलवल होडल हसनपुर हथीन पदला प्रमुख खंड। जनसंख्या देखिए 10,42,708 कुल यहाँ की जनसंख्या, और एरिया है 1359 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी दोस्तों आपके 13 अगस्त 2008 को। प्राचीन नाम अपलवा, उपनाम सुगर सिटी, कोटन सिटी। आगे देखिए जनसंख्या 10,42,708 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 767 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। 767 वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। आगे देखिए प्रमुख नगर हैं आपके पलवल शहर के। प्रमुख नगर पलवल होडल बंचारी डबचिक हसनपुर। पलवल होडल बंचारी डबचिक हसनपुर मतलब पलवल होडल बंचारी डबचिक हसनपुर परथला प्रमुख नगर। आगे देखिए पलवल के प्रमुख पर्यटन स्थल। पलवल में दोस्तों आपके महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। फर्स्ट देखिए आपको पांडव वन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा, पांडव वन का संबंध महाभारत के प्रमुख पात्र पांडवों से है। मान्यता यह है कि पांडव ने अज्ञातवास के दौरान समय यहीं पर बिताया था। मान्यता है कि पांडव ने अज्ञातवास का समय इसी स्थान पर बिताया था, तो पांडव वन। आगे देखिए स्थिति का स्थान एक प्रमुख स्थान है जो पलवल में स्थित और या होडल क्षेत्र में स्थिति के नाम से पलवल के होडल क्षेत्र में स्थिति के नाम से एक भव्य मंदिर व तालाब बनाया गया, और जनवरी में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। स्थिति का स्थान होडल क्षेत्र में स्थिति के नाम पर भव्य मंदिर व तालाब बनाया गया, और जनवरी में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है। और पिछले दिनों जनवरी में यहाँ पर स्त्री का मंदिर सती के मेला लगा था। आगे देखिए डबचिक पलवल का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, और पलवल के होडल शहर में दिल्ली आगरा मार्ग पर स्थित डबचिक पर्यटन स्थल प्रमुख। आगे देखिए किशोरी बाई का महल का निर्माण काशीराम स्त्रोत के द्वारा किया गया। किशोरी बाई के महल का निर्माण सूरजमल के द्वारा किया गया था, और सूरजमल ने इसका निर्माण अपनी पत्नी किशोरी की याद में होटल में करवाया था। किशोरी बाई का महल। एक बार फिर से देखिए पलवल के प्रमुख पर्यटन स्थल पांडवन, स्थिति का स्थान डबचिक, किशोरी बाई का महल। पांडवन, स्थिति का स्थान डबचिक, किशोरी बाई का महल।
किशोरी भाई का महला। ये देखिए आपके पलवल के धार्मिक स्थल, पलवल के धार्मिक स्थल, पलवल के धार्मिक स्थल है पंचवटी, पलवल के धार्मिक स्थल है पंचवटी दाऊ जी का मंदिर, पलवल के धार्मिक स्थल है पंचवटी दाऊ जी का मंदिर। आगे देखिए कुछ खास बातें, कुछ खास बातें, पलवल नगर शक्कर एवं साइकिल उद्योग के लिए प्रमुख, पलवल नगर साइकिल एवं शक्कर उद्योग के लिए प्रमुख नगर माना जाता है। पलवल हाथी से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां प्राप्त होती है। पलवल के किले का निर्माण, पलवल के किले को मटिया के किले के नाम से भी जाना जाता है, पलवल के किले को मटिया के किले के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए पलवल व होडल में रसिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध, पलवल व होडल में रसिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध। आगे देखिए हरियाणा की संस्कृत अकादमी का मुख्यालय भी पलवल में ही स्थित है, हरियाणा की संस्कृत अकादमी का मुख्यालय भी है पलवल में ही स्थित। आगे देखिए हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला पलवल में ही स्थित है। आगे देखिए एक बार फिर से कुछ खास बातें, पलवल नगर सुगर एवं साइकिल उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, पलवल अथीन से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, पलवल हथीन से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां प्राप्त हुई, पलवल के किले को मटिया का किले का नाम भी, पलवल के किले को मटिया के किले के नाम से भी जाना जाता है। पलवल व होडल में रसिया नृत्य बहुत, पलवल व होडल में रसिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, हरियाणा की संस्कृत अकादमी का मुख्यालय पलवल में, हरियाणा की संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपके पलवल में स्थित, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना का विश्वविद्यालय भी आपका दुधौला में ही, दुधौला पलवल में ही स्थित। आगे देखिए हरियाणा के पलवल के प्रमुख मेले, पलवल के प्रमुख मेले स्थिर रमणी का मेला, स्थिर रमणी का मेला, अस्थि नामक पर्यटन स्थल पर स्थिर रमणी का मेला लगता है जो होटल में स्थित है। आगे देखिए फुलडोर का मेला, फुलडोर का मेला आपका बंचारी पानी बंचारी पलवल, फुलडोर का मेला आपका बंचारी पलवल में लगता है, और रक्षाबंधन का मेला आपका पंचवटी, रक्षाबंधन का मेला आपका पंचवटी, रक्षाबंधन का मेला आपका पंचवटी में लगता है। स्थिर रमणी का मेला, स्थिर रमणी का मेला आपका कहाँ लगता है होटल में लगता है, और फुलडोर का मेला आपका बंचारी में लगता है, रक्षाबंधन का मेला आपका पंचवटी में लगता है। आगे देखिए प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति हैं लाला मुरलीधर, लाला लाला मुरलीधर राय, लाला मुरलीधर का जन्म पलवल के होटल में 1850 को हुआ था, और 1904 में इन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था, 1904 में इन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था, और 1898 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित, 1898 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ पंजाबी, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ पंजाबी, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ पंजाबी भी कहा जाता है, और कांग्रेस की पहली शाखा है, कांग्रेस की पहली शाखा भी इन्हीं के प्रयासों से 1887 में अम्बाड़ा में खुली थी। एक बार फिर से देखिए पलवल का प्रमुख व्यक्ति लाला राय मुरलीधर, और लाला राय मुरलीधर का जन्म 1850 में हुआ था, और 1904 में इन्हें केसरे हिंद से, 1904 में इन्हें केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था, और 1898 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ पंजाबी, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ पंजाबी कहा जाता है, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ पंजाबी कहा जाता है, और कांग्रेस की पहली शाखा 1888 में इन्हीं के प्रयासों से अम्बाड़ा में स्थापित की गई थी। ये थे दोस्तों आपके मोस्ट, ये थे दोस्तों आपके, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पलवल डिस्ट्रिक्ट, जो आपके प्रत्येक एग्जाम्स में एक से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, हैव ए नाइस डे, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।